आर यू गेटिंग मैरिड? अगर तूने ये डाला ना सी तो कान में पैर डाल दूँ। वो है दैट क्वालिटी मिस डिसरिस्पेक्ट माय पेरेंट्स। सब बोलना होना पसंद नहीं, वो पैर डलवा लेते होंगे। मुझे ऐसा लगता है चाइल्डहुड फ्रेंड ना बदल गए हैं, हर स्टेप पे बाउंड्री है तुम। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम। तू क्यों एक्शंस कर रही है? प्रेशर दे रही हूं। शांत नहीं होते। तो कैसी ये हंसी है? होली प्लीज, जो होठों पे फंसी है मेरे, शाउट करने का मन कर रहा है। कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय, अगर आगे जाके हमारा शाउट करने का मन करेगा तो हम कर पाएंगे। आगे कहाँ? आगे ससुराल। वापस भेज देंगे हमें। हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, मैंने ना कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम पे और उस पर पूछे थे यूट्यूब पे। हाँ, तो यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, एक दो ही आए थे, और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आए थे। तो आज मैं उन सब का ही आंसर करने जा रही हूँ, और बहुत छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, तो इसलिए काफ़ी शॉर्ट सी वीडियो होगी। तो आप पूरी वीडियो देख कर जाना, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट करके जाना लास्ट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट द वीडियो। माय गॉड गाइस, मेरे बाल इतने रफ हो रहे हैं ना बहुत, और मेरे क्वेश्चन ये रीड करेगी तो ये अपनी वो कर दिए पुताई थोड़ी सी। जो तू करे बैठी, मैं नहीं करती इतना, इतना? मैं लिटिल बिट करती हूँ सिर्फ। गाइस, मैं पहले ना मम्मी के लिए चाय रख देती हूँ, उसके बाद फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मेरी मांग टेढ़ी नहीं कर रही। एनीवेज, तो अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मैं खुद भी मतलब पढ़ के आंसर कर सकती थी, बट ये बहुत ज़्यादा यू नो वो हो रही थी कि यार मुझे भी ले ले वीडियो में, मुझे भी ले ले। तो फिर झूठ बोलेगी गोली। हेयर स्टाइल खराब, हेयर स्टाइल कहाँ है? बहुत मुश्किल से हेयर स्टाइल को ऐसे ही बांध लेती हूँ मैं। मैंने भी ये ऐसे ही बांधा है। चल बता, मुझे दोबारा से बांधना पड़ेगा। इस वाले से कोई भी जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि जबरदस्ती में से इसने की है। यहाँ जाइयो ना, आ जाइयो। पता नहीं इसे क्या हो रहा था कि अकेले बैठने में इसे कैमरा कॉन्शियस हो रही थी। ओह माय गॉड, आप जाओ मम्मी का सब यहीं बैठी हूँ खा जाओ। मम्मी का सब मैं कॉन्शियस नहीं हुई थी। मम्मी का सब तूने मेरे से जिद की नहीं या क्या? मम्मी का सब मम्मी का सब किए थे। मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं नीचे से, इनको इतना काटूंगी। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द क्यू एंड ए। चुप हो जाओ ए गाइस, यू नो चिल्ड्रंस यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं तो वीडियोस इसलिए बन नहीं पाती। सो अब ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगी और उसका मैं आंसर करूँगी, जो भी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है जो आप जानना चाहते हो। ओके, बट ना मैं ये बताती हूँ, मैंने क्वेश्चन देखे हैं सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन आया, मुझे तो मैं फर्स्ट वही पूछ लूँ? नहीं, बात मुझे नहीं पता क्यों, I don't know why, but मैं बहुत ज़्यादा आया वो क्वेश्चन, और मुझे मैसेजेस में भी है ना, मैसेज रिक्वेस्ट में, मैसेजेस में भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है बट आ रहा है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट यू थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड फ्रेंड एंड हाउ मच यू लव हर एंड व्हाट यू लाइक इन हर द मोस्ट? चाइल्डहुड फ्रेंड को मैं कोई भी लव तो करती हूँ नहीं अब, क्योंकि चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड चाइल्डहुड फ्रेंड ऐसा कोई बचा है नहीं। हाँ, ना बचते हैं। हाँ नहीं बचते, बच भी जाते हैं कुछ लोग के होते हैं कि बहुत मतलब कम, मतलब 100 में से 15-20% ही होते हैं। हाँ, बट चाइल्डहुड नहीं बोलते तो हुड तो मुँह में ही रहते पत्थर। जैसे लगता है चाइल्डहुड फ्रेंड ना बदल गए हैं, मतलब उनसे तो उनके बारे में क्या ही थिंक, क्या ही थिंक करे, तो ऐसा कुछ है नहीं। एक तो मतलब ऐसे है कि टच में है बट इतनी कुछ खास बात होती नहीं है, और सब यही है कि भाई सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है तो किसी के पास इतना टाइम है नहीं, और मैं उनके लिए क्या बोलूँ, मेरा खुद ही मन नहीं करता किसी से बात करने का। कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब भी टच में है बट वो बचपन से नहीं है, बचपन वाले अब इतने क्या, बचपन वाले है ही कहाँ, मेरे पास नहीं है बचपन वाले दोस्त मेरे पास। एक बार सोच रहे थे कभी कोई बुरा मान जाए, ओके मैं तो थी नहीं, मेरा एक बचपन का कह लो तो लाली ही है, अगर कहो तो लाली तो नहीं रहती है बट। हाँ, तो मेरा ऐसे कोई बचपन का दोस्त है नहीं, थोड़ी बहुत क्या, बर्थडे पे सिर्फ विशेज आ जाते हैं बस। अगर ध्यान से सुन लो, बचपन की दोस्त, स्कूल की नहीं, कभी आप बुरा मान जाए। हाँ, जो है आगे यही है कि और लाइक और डिसलाइक वाला कुछ है ही नहीं। हाँ, जो बॉन्डिंग पहले थी अब वो नहीं है, बट ऐसे लाइक डिसलाइक वाला कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, बढ़िया है। व्हाट्स वन बाउंड्री यू हैव?
व्हाट्स वन बाउंड्री? आई हैव मैनी बाउंड्री बहुत ज़्यादा है गुर्जर फैमिली के अकॉर्डिंग ना, बहुत गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज होती है, तो वन तो बता ही नहीं सकते क्योंकि वन मिलियन है हर स्टेप पे बाउंड्री है, तो हम क्या करें? तो पता है बाउंड्री ना सोसाइटी की वजह से भी लग जाती है, फैमिली बेशक से आपकी ओपन हो और यू नो उनकी थिंकिंग कहीं ना कहीं फिर बाहर वालों के बारे में सोचना, बाहर वालों के बारे में सोचना पड़ जाता है बाहर जाने की, मतलब हमारे ये है कि हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे जा सकते अगर हम आज चले गए ना तो हम कंटिन्यू फिर कल हम पूछ नहीं सकते कि हमें बाहर जाना है तो हमें परमिशन मिल जाएगी, तो नहीं ऐसे नहीं होता, हमें थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे। बट औरों के अकॉर्डिंग ना, और फैमिलीज के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी है उनके अकॉर्डिंग तो फिर भी बहुत है, गुर्जर फैमिली में बहुत है, उसके अकॉर्डिंग तो फिर भी ठीक है। एक बाउंड्री बताने की बात है तो वो यही है कि हम 7 बजे से पहले पहले हमें घर आना होगा। 7 बजे तो ज़्यादा बोलती है उनके अकॉर्डिंग, वो रात के 1 बजे होता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव? 2। या आई हैव 2 siblings, एक मेरी छोटी बहन है और एक मेरा छोटा भाई है, और आई एम द एल्डर वन। समवेयर यू वॉन्ट टू विजिट? वेयर? आई वॉन्ट टू विजिट केदारनाथ, मालदीव्स और ग्रीस। चल चल और क्रेस मालदीव्स। एक क्लोथिंग हॉल हो जाए मीशो से। गाइज पैसे नहीं, गरीब आंसर। शिट गाइज, व्हाट यू फाइंड? आंसर भी नहीं करने दे रही मेरे को, केदारनाथ जाए, मालदीव जाने, ग्रीस, मेरे को बहुत जगह जाने का। तो यहीं चली जाएगी, आगे बता। पेरिस, पेरिस, पेरिस मेरा ड्रीम प्लेस है। व्हाट यू फाइंड अट्रैक्टिव इन गोली? अपना ये क्वेश्चन है, क्या है? गया नहीं था बे, बता रही नहीं, बता रही नथिंग, इट्स माय क्वेश्चन, नथिंग नथिंग, मैं जेन्युइन आंसर देने के लिए बैठी हूं यहां पे, तो नथिंग। वीडियो फोड़ दूंगा, जल्दी बता ले। नथा गोली क्वेश्चन था ही नहीं, तो मेरी तरफ से क्वेश्चन इज आई फाइंड नथिंग, मतलब मुझे इसमें अट्रैक्टिव यार कुछ लगता ही नहीं, क्या ही लगे। आगे बता यार, अट्रैक्टिव क्या ही लगेगा तुम्हें, जल्दी बता, मेरा खून फूक रहा है। इसमें अट्रैक्टिव है इसकी वो टॉकिंग स्किल्स, बहुत ज़्यादा टॉकिंग स्किल्स है इसमें, मतलब इतना टॉक मैं कर ही नहीं सकती जितना टॉक कर लेती। कांट टॉक दैट मच, अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं बोल पाऊंगी जितना ही एक टाइम में बोल लेती है। अच्छा, तो यही इसमें अट्रैक्टिव है कि लोग इसी चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, यू नो, जो मेरे जैसे होंगे ना जिन्हें ज़्यादा बोलना वोलना पसंद नहीं, वो पैटर्न वाले होंगे। देखा, ये एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच ब्यूटीफुल गोली इज? वन थिंग, गिलास। व्हाट्स वन थिंग दैट हैपेंड टू यू दैट मेक यू स्ट्रॉन्गर? अभी मतलब रिसेंट में ही कुछ ऐसा हुआ है जो कि अभी मैं आपको नहीं बता सकती, बस उस, लेकिन उस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तेरी फेवरेट यूट्यूबर हु इंस्पायर्ड यू? एक तो मेरे को पता है शायद, एक तो वो है दैट अल्केमिस, देखा उनकी वीडियो देख के ना मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियो देखना, तो या अल्केमिस है फर्स्ट। और मुझे रूपल भी बहुत अच्छी लग रही है, एक तो बहुत कंसिस्टेंट रहती है और रेगुलर वीडियो डालती है, तो उसकी वीडियोज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको देख के ना ऐसा लगता है कि यार हमें भी बना लीजिए। रूपल, रूपल यादव, हाँ, तो हमें भी करना चाहिए। एक वो है को देख के मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, वो है ज्योति सेठी, उन्हीं की एक वीडियो देख के मैंने चैनल को स्टार्ट किया था। ज्योति सेठी को तो अब मैं इतना नहीं देखती हूँ, कोर के मैं इसको देखती हूँ, रूपल को देखती हूँ, उनको ही मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ। अब आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? नथिंग्स कैंपस। मेरा हेयर स्टाइल कैसे हुआ? मुझे ना ऐसा लगता है आपको जो भी बनना है ना वो आपको नहीं बताना चाहिए, जब आप बन जाओ ना तब आपको बताना चाहिए कि मैं ये चाहती थी। सो ना, थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर? आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, और जिसको भी जितना भी मिला है ना उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। यार तू तो नीचड़ बना कर रही है, कोई गलत बना रही है, मैं चैन से नहीं बैठा जाता। मुझे पता है तू ओवर एक्टिंग कर रही है, मत कर। अगर तूने डाला सी, अगर तूने ये डालना सी तो कान में पैर डाल दूंगी, मैं तो तू मुंह में डाल देती। ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, यू आर ग्रेटफुल फॉर मी ऑल्सो।
यू आर वेरी लकी. ओके सभी चीजों के लिए हम ग्रेटफुल रहेंगे. गाइस हमें चीजें और मिलती हैं गाइस. कमी है करने ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा. चल आगे पूछ. पिक ऑफ योर फ्रेंड सर्कल. फ्रेंड सर्कल कहाँ है पहला योर पिक ऑफ. पिक ऑफ अच्छा पिक ऑफ यू फ्रेंड सर्कल योर होगा वो. पिक ऑफ हाँ पिक ऑफ योर फ्रेंड सर्कल. पिक लगा दूंगी मैं. सर्कल इतना बड़ा है नहीं. चल लगा दूँगी. सर्कल तो है नहीं, एंगल है सर. बाबू आई लव यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता. ये पूजा है, बदतमीजी कर रही है जो. एक मिनट का है क्या हमारा. इतनी बदतमीजी नहीं करनी थी. फाइव थिंग्स यू हैव लर्नड इन लाइफ. डोंट ट्रस्ट एनीवन. पिक. ट्रस्ट ऑन गॉड, ओनली गॉड एंड योर पेरेंट्स. सिर्फ अपने माँ बाप और भगवान पे भरोसा रखो और किसी पे भी नहीं. सो यार फर्स्ट वन इज डोंट ट्रस्ट एनीवन. सेकेंड ट्रस्ट ऑन गॉड एंड योर पेरेंट्स. थर्ड इज टाइम विल हील एवरीथिंग. एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग. टाइम के साथ सब सही हो जाता है. और फोर्थ इज पेशेंस. पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लाइफ में. अगर आप चाह रहे हो ना कि कुछ चीज़ अभी ख़राब है एकदम से सही हो जाए तो ऐसे नहीं होता. पेशेंस रखना, पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा. फिफ्थ इज स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली. फैमिली के साथ गाइस टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मतलब अपनी पर्सनल लाइफ तो ठीक है लेकिन पूरे दिन में टाइम निकालो थोड़ा सा भी, चाहे कितना भी, आधा एक घंटा अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, बट स्टिल आपको टाइम निकालना चाहिए अपनी फैमिली के लिए. बैठ के बात करनी चाहिए, ऐसे मजाक करो, बातें करो, क्योंकि ना लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल. लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता. तो यार सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए. और भी बहुत चीज़ें सीखी है बट फाइव बताने के लिए बोला है तो इसलिए फाइव ही बताई है. स्किन केयर रूटीन शेयर करो. मैं करूँ स्किन केयर रूटीन? नहीं नहीं नो स्किन केयर आई है आप गाइस. मेरे स्किन पे बम्स आ रहे हैं अभी, इफ़ यू आईज कैन सी तो या, बट अगर फिर भी करना है तो मैं कर दूँगी. अभी तो मेरा स्किन केयर ही ख़त्म हुआ पड़ा है तो मैं क्या ही स्किन केयर आपको. अरे तो चल काम कर, आस्क एनीथिंग. एक काम दिया हो तो होता नहीं, ये सब करवा लो तुझसे. इनके काम में से हो भी नहीं पाएंगे तो आगे. What do you usually do at weekends? Sleep. Only sleep. कुछ भी नहीं कही थी यार मैं वीकेंड्स पे, बस घर पे है सोना. अब वीकेंड्स क्या, पूरा वीक ही ऐसे जाता है तो मैं कुछ भी नहीं करती. वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ बस, और क्या. When did you get your first phone and story behind it? Guys, मुझे फ़ोन कॉलेज के बाद ही मिला था. मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया था, आईफोन 6 लिया था मैंने. और ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं, बस सेकेंड हैंड था वो. रात मेरे ट्रक का टायर पंचर हो गया, कोई शॉप सजेस्ट कर दो मैम. जब ये वीडियो आ रही है तो आपका टायर हो गया होगा ठीक तब तक तो. What is one thing you are deeply proud in your life? इस पर प्राउड हो सकती हूँ कि आई नेवर डिसरिस्पेक्ट माई पेरेंट्स. बिकॉज मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है कि वो अपने आप को मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब उनसे अगर थोड़ा सी ऊँची आवाज़ में बोलो तो उन पर कतई बात सुननी नहीं जाती. कुछ मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया तो मैं इस चीज़ के लिए प्राउड हूँ. क्योंकि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ना तो आप अपने कर्मों का घड़ा भर रहे हो और आपको इसी लाइफ में वो चीज़ें वापस मिलने वाली है. सो बी रेडी. जल्दी जल्दी कर, अब बच्चा आने वाला है. नहीं कह रही हूँ, छोटी सी वीडियो बोल रही थी, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी बन रही है. तो लास्ट क्वेश्चन. लास्ट है. हाँ मतलब सारे वही उसी पे बेस्ड है. सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन अभी तक. डिमांडिंग क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों आया पूरी वीडियो का. व्हेन यू गेट मैरिड, आर यू गेटिंग मैरिड, आर यू गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड और आर यू एंगेज्ड, बहुत सारे. व्हेन गेटिंग मैरिड मतलब ये वाला तो बहुत है. आर यू गेटिंग मैरिड मतलब सब पूछ रहे हैं, सबको लग रहा है. इज योर मैरिज फिक्स्ड? तो आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा लग क्यों रहा है. तो मुझे इस चीज़ का आंसर कमेंट में चाहिए कि आपको ऐसा लग क्यों रहा है. और गाइस रीडिंग करने लगे हैं. इसका आंसर ना आपको मिल जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा शादी वगैरह का सीन, और अगर शादी होगी तो आपको पता चल जाएगा टाइम के साथ. ऐसा कुछ भी होगा तो आपको पता चल जाएगा. सो या गाइस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं एक और Q&A बना दूंगी अगर है तो. की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर जान. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वन.